नहीं यार समझ, बात को निपटा ले यार वो वाला काम। फ्रैंकली भाई अब देख यार, मैंने बोल दिया ना अब निपट जाएगा यार। नहीं यार काफी टाइम हो गया यार, तूने बोला था कि भाई मेरा वर्कर ले गया चलाने को, भाई अभी तक तेरा कुछ पता नहीं चला। ऊपर से यार मैं तेरे सारी वर्कशॉप पे घूम आया, तू इधर आ गया। बेसिकली गाइस बात कुछ ऐसी है, XUV700O की मैंने रिपेयरमेंट के लिए बैनी को दी थी और बैनी इतना आराम को हो रहा है भाई, कहने लग गया कि फ्रैंकली भाई तेरी गाड़ी ना हमारे वर्कर यूज करने के लिए ले गए हैं। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन गाइस वो गाड़ी दिख नहीं रही है भाई, कहीं ठोक पीट तो नहीं दिया है? अबे अगर ठोक पीट भी दूंगा तो रिपेयर तो मैं ही करूंगा ना, तुझे थोड़ी पता चलेगा कि मैंने उसे ठोक पीट दिया है। यार बात तो सही है यार, यार ऊपर से इनकी चलाकपना भी तो बहुत ज्यादा गजब है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या ऊपर से यार? और तू फिर वर्कशॉप से उठ करके क्यों आ गया? काम नहीं था इसलिए आ गया। तो वो गाड़ी? अरे यार वो तो वर्कर लाएगा तब दूंगा ना। भाई यार यार बहनी यार ये गलत बात है, मैं तेरे को आज के बाद ट्रस्ट करना बंद कर दूंगा। यार फ्रैंकलिन एक गाड़ी के लिए तू इतना सौदा तोड़ेगा यार? तू ट्रस्ट करना बंद कर, छोड़ रहने दे, फिर तू अपनी गाड़ियों को और रिपेयरिंग सेंटर पे दे दियो जहाँ पे तेरे को 10 से 15 दिन देना पड़ेगा एक एक गाड़ी रिपेयरमेंट के लिए। नहीं 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 यार वो नहीं कर सकता बहनी, सॉरी भाई। हाँ हाँ ठीक है फिर जो होता है वो करने दो। अरे भाई ये तो धमकी दे रहा है। ओके सो गाइस देख सकते हो मैं लैम्बोर्गिनी टैरसो लेकर के निकला पड़ा हूँ भाई। लैम्बोर्गिनी टैरसो आप लोगों को कैसी लगती है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। बाकी लैम्बोर्गिनी टैरसो लेकर के मैं निकला हुआ था बाहर की यार बहनी से थोड़ी पूछने के लिए कि क्या हो रहा है हाल चाल। अब यार बात कुछ ऐसी है मेरी यार जो भी, अरे यार अभी तो चलो वो बात छोड़ो यार, मैंने गाड़ियों की बहुत बातें कर ली गाइस। वही वाला बात, वही वाली मैटर, वही वाले डिस्कशन अब हमारे बीच में चलने वाला है गाइस। किस बारे में? यार PSS गेमर भाई हमारे घर आने वाले हैं या नहीं आने वाले, क्योंकि गाइस उन्होंने मेरे को ना यार बहुत बुरी तरीके से क्या करूँ, ओए ऐसा करूँ मैं फिर जाऊँ क्या खुद इन्विटेशन देने क्या? अरे देखता हूँ, ओए क्या पता उन्होंने इन्विटेशन कार्ड एक्सेप्ट कर लिया हो, किसी को घर में पता हो मुझे नहीं पता, किसी और को घर में पता चल गया हो। क्योंकि मैंने बोला था कि अगर PSS भाई, एक इनविटेशन कार्ड में मैंने लिख रखा था कि PSS भाई अगर आप मेरा इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर मेरे को एक रिप्लाई दे देना। तो रिप्लाई के तौर पे क्या पता उन्होंने मेरे को भी कोई एक लेटर भेजा हो, तो इसलिए गाइज मेरे को देखना ज़रूरी है कि यार उन्होंने मुझे क्या लेटर भेजा होगा। तो गाइज इसलिए मैं पहले घर जाके सबसे पूछता हूँ, लेकिन अगर गाइज लेटर नहीं आया होगा ना तो मतलब PSS गेमर भाई बहुत ज़्यादा नाराज़ है हम लोगों से, तो मुझे घर जा कर के उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और वापस से उन्हें बुलाना पड़ेगा गाइज, है ना भाई? तो क्यों बोल रहे हो ना, सही बात बोल रहा हूँ ना मैं, है ना गाइज? तो चलो भाई अभी मैं चलता हूँ घर की तरफ। बाकी ऑडियंस आप लोग वीडियो को लाइक करो यार, ये रास्ता बड़ा लंबा पड़ जाएगा। टैरसो आई एम रियली सॉरी मैं तेरे से ये काम करवा रहा हूँ, लेकिन यार आई हैव टू डू दिस, क्योंकि यार मेरे को लंबा रास्ता अच्छा नहीं लग रहा है, लंबा रास्ता ऑडियंस को भी अच्छा नहीं लगेगा। और देख सकते हैं गाइज इससे यार अरे यार क्या, अरे यार चल ओके सो गाइज इसकी कैपेबिलिटी पता चल जाएगी। अरे यार कैपेसिटी का भाई, कैपेसिटी होता है भाई। तू कहाँ बैठा था भाई? भाई मैं कब से बैठा हुआ था तेरी बकवास सुन रहा था, पर यार नींद खुली और भाई एकदम से बदबू आई, तो मैंने सोचा ये तो फ्रैंकलिन के साथ हूँ मैं, बदबू आई का क्या मतलब है? चंपो हराम खोर साले तू मेरे बारे में इतना कैसे फालतू बोलता है? हाँ भाई जैसा मुंह से बोलता हूँ। अरे फ्रैंकलिन सर आप इधर से कहाँ से आ रहे हो? अरे तो भाई मेरा मन भाई, मेरी मर्जी भाई, मेरा इलाका, तुम लोग मना करोगे मुझे? नहीं सर हमें देखना पड़ता है ना, ऐसा लगता है चोर है, हम लोग यार वो गोलियां चलाने चालू कर दे तो फिर आपको ही दिक्कत होगी। अच्छा चलो ठीक है भाई, ठीक है बात समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी, है ना? तो चलो भाई पहुँच गए हैं। अरे अरे क्यारा फ्रैंकलिन एक बात बताओ। हाँ बोलो क्यारा। पता चला PSS गेमर क्या? अरे मैं वो ही पूछने आ गया था, PSS गेमर का कोई आया कोई रिप्लाई विप्लाई लेटर में कुछ भी, मेरा सॉरी कार्ड एक्सेप्ट किया उन्होंने क्या? अरे अरे फ्रैंकलिन मुझे पता नहीं है, मेरे पास हमारे पास तो कुछ नहीं आया। अरे ऑफिसर्स आया क्या कुछ ऐसा? ए सर ऐसा कोई खत नहीं आया। ऐसा कोई खत नहीं आया, क्या करे क्या रहा? फ्रैंकलिन तुम्हें ना मुझे लग रहा है उनके घर जाके माफी मांग के इनवाइट करना पड़ेगा और लेके आना पड़ेगा। हाँ यार यही बात है, पहले मैं घर में के और सदस्यों से पूछ लेता हूँ, क्या पता मेरे से गुस्सा हो तो भाई माइकल भाई पे भेज दिया हो, है ना? अरे ऑफिसर। अरे हाँ फ्रैंकलिन सर, यार तुम दे करके तो आए थे ना PSS भाई को ही? अरे PSS सर को ही दे के आए थे, PSS सर से मैंने माफी मांगी थी आपकी तरफ से। सर आपकी तरफ से मैं माफी मांग सकता हूँ, मैंने और क्या कर सकता हूँ? हाँ यार बात तो सही है यार, तुमने माफी मांगनी यार बहुत अच्छी वाली बात है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है सर, मैंने बोला है अब शायद से वो एक्सेप्ट कर ही लेंगे आपकी एलोपोजी। एलोपोजी मतलब एपोलॉजी? अच्छा यार लेकिन एक्सेप्ट का कोई लेटर वेटर? नहीं सर वो तो कुछ नहीं आया। अरे यार अरे अरे एक कॉफी को चोको पाई चाहिए? बाबा नहीं मेरे को तो एक वेनिला चाहिए। अरे अभी ले आके दे तू। अरे ये लेडी अभी तक है क्या?
अरे अरे मुझे क्यारा मैम ने रखा है क्योंकि मेरी हरकतें एक भी बार कुछ गलत नहीं हुई है, इसलिए क्यारा मैम ने मुझे इधर रखा है और यहाँ पे वैसे भी किड्स एरिया है ना इसलिए। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, बच्चों को सर्व करो है ना। अरे शिंचन हमारी पिंचन, अरे शिंचन भैया कहाँ है मतलब, अरे यार वो तो एक साथ लेने का बहुत आता है भाई साहब, फ्रेंकली बताओ भाई क्या हाल है भाई। बढ़िया तो हूँ, देख यार मैंने ना PSS भाई को ना यार भेजा था कि इनविटेशन कार्ड, लेकिन उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया और एक्सेप्टेंस वाला लेटर भेजा होगा, तो तुम लोगों के पास आया है क्या? बाबा नहीं हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं आया। अबे यार चॉपर ब्रूनो, ब्रूनो तू तो रेट्रीवर है साले, तू तो सब कुछ पकड़ लेता है, पकड़ करके तू ले करके छुपा तो नहीं दिया? नहीं फ्रेंकली भैया मैं चॉपर भैया की कसम खाता हूँ। अबा भाई मेरी क्यों झूठी कसम खा रहा है, झूठी कसम जो ब्रूनो तूने रखा है क्या? नहीं फ्रेंकली भैया मैंने कहीं नहीं रखा है। अरे यार फ्रेंकली भैया हमें हमारे पास नहीं है सही में। अरे यार नहीं यार हमें क्या पता फ्रेंकली भैया, यार तुम लोगों के पास भी नहीं है आया? अरे तुम लोगों के पास आया क्या? नहीं फ्रैंकलिन भाई। अरे भाई माइकल भाई। अरे अरे फ्रैंकलिन क्या हाल है, क्या कर रहे हो इधर? तो कैसे हो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि PSS गेमर मैं फिर से कैसे आ गया। तो गाइस PS गेमस्टर का कैमरा मेरे पास आया व्लॉगिंग का, तो मेरे को बस बात कर रहे हैं आ गया मैं, ठीक है। अब क्या बात कर रही है मुझे ये पता नहीं है। अब PS गेमस्टर बार बार मेरे पास कैमरा छोड़ दे रहा है, अब मैं इस कैमरे का क्या अचार डालूं, मैं आपसे क्या बात करूं। वैसे भी फिलहाल आप लोगों ने उसकी इतनी वार्ड लगा दी कि उसको अब आ करके मेरे पे इनविटेशन कार्ड, वो इनविटेशन कार्ड विद सॉरी कार्ड के साथ उसने मेरे पे भेजा, लेकिन मैं नहीं जाने वाला। जब ऐसे ऐसे क्या होता है भाई, जब तुम इतनी बड़ी दिल को इतनी बड़ी ठेस पहुंचा दो, इतनी ज़्यादा चोट पहुंचा दो दिल को, और फिर बाद में तुम कहो कि लो भाई सॉरी। अब यार ये कौन सा शब्द होता है सॉरी, है ऐसा थोड़ी है, किसी का सर फोड़ दो बोल दो सॉरी, किसी का मर्डर कर दो बोल दो सॉरी, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा गलत होती है ना। ऐसे सॉरी नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होता, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। और ये PS गैंगस्टर ने ना मेरा दिल तोड़ा, बेइज्जत किया है मुझे। गुड मॉर्निंग अपने PSS सर। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कैसे हो सर? सर सर बढ़िया सर। बढ़िया ही है यार, तुम ही लोगो, अब शिंचन हमारे पिंचन भी गए हुए हैं कहीं पे, चौप ब्रूनो भी अपना जाते हैं, तो घर पूरा सूना सूना लगता है। एक लॉस सेंटोस में PS गैंगस्टर था, वो भी उसने भी मेरे साथ ऐसा किया कि उसने मेरी बेइज्जत कर दिया, बेइज्जती। सब लोग मेरे से आजकल फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि PSS भाई आपको, आपके बीच में और PS गैंगस्टर के बीच में ऐसा क्या हो गया जो आपको बुलाया ही नहीं। बताओ यार मेरे, मैं सबको बोलता हूँ कि भाई मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई है PS गैंगस्टर से, तो पता क्या कहते हैं, ओहो सर आपको तो इतनी भी तवज्जो दी थी PS गैंगस्टर ने कि वो आपको बुलाए। नहीं बुलाया PS गैंगस्टर ने मुझे, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है। प्रिया और शिंचन की शादी हो गई, उसके बाद भी नहीं बुलाया यार। रहन दो आज के बाद मेरे को PS गैंगस्टर से रिश्ता भी नहीं है, इसलिए ऑडियंस अब आप लोग भी अपना PS गैंगस्टर का कैमरा मेरे पास लाना बंद करवाओ। कॉफी पीने का अंदाजा अलग है, क्या मजा आ रहा है भाई ऊपर से पीने में। यार वो बात छोड़ो ट्रे माइकल भाई, मेरी एक बात सुनो। क्या बात हो गई? अरे यार आश वो क्या बोलते हैं PSS गेमर भाई की तरफ से मेरी वो अपोलॉजी एक्सेप्टेंस का कोई लेटर आया है क्या? नहीं नहीं फ्रैंकलिन कोई भी नहीं आया। अरे यार फ्रैंकलिन तू जाके PSS गेमर से जाके माफ़ी मांगना यार, यार यही करना पड़ेगा यार। बाकी गाइस लास्ट एपिसोड में देखा था ना, हमने ट्रेवर भाई की वाट लगवाई थी, ट्रेवर भाई की चारों बीवियां बुला करके, तो ट्रेवर भाई हमसे कल से ही नाराज़ हैं। यार फ्रैंकलिन मैंने कॉफ़ी भी दी भाई, उसने पी नहीं। अरे यार नाराज़ हो गए हैं ज़्यादा ही, वो तो ये तो जिम चल रहा है यहाँ पे। तो चलो भाई मैं ऊपर जाके पूछता हूँ यार ट्रेवर भाई से भी, वो जवाब नहीं देगा फ्रैंकलिन, मैं पक्की बात बोल रहा हूँ। ठीक है भाई शिंचन, शिंचन अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ फ्रैंकलिन भैया। अरे 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 वाह क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, मेरा पीला कच्चा सबसे मुझे बढ़िया लगता है। ओहो अरे अरे फ्रैंकलिन भैया क्या गाना गा रहे हो तुम लोग? अरे अरे फ्रैंकलिन भैया के बीच में, अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे को तो एम्बैरेसमेंट फील हो रही है। अरे अरे सुनो रिया, तुम्हारे पास कोई PSS गेमर भाई का इनविटेशन कार्ड आया कोई, मतलब सॉरी एक्सेप्टेंस वाला कार्ड आया? नहीं नहीं अब PSS गेमर कौन? PSS गेमर को नहीं जानती? वो द डेंजरस गैंगस्टर। हाँ अरे नहीं 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 फ्रैंकलिन भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया मेरे पास, और मेरे पास आए तो प्लीज़ आप मेरे से भलाई बचा के रखो। फ्रैंकलिन भैया नहीं, PSS भैया का नहीं आया, वो ज़्यादा ही गुस्सा हो रखे हैं, ज़्यादा ही गुस्सा है यार आज। चलो भाई चलते हैं फिर उनसे माफ़ी मांगते हैं पूरे फैमिली जाके, मैं नहीं जाऊँगा आप ही जाके माफ़ी मांगो। ड्राइवर भाई फ्रैंकलिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, दूर हो जा साले, तुम लोगों ने मुझे कल सुधार तो दिया, मुझे पता है मेरी बीवी आई थी, अब से मैं बढ़िया ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और देख हर रोज व्यायाम करूंगा, ठीक है? मेरा कोटि कोटि प्रणाम तेरे को।
हाँ हाँ ठीक है भाई, प्रणाम प्रणाम। और क्या, अब देख मैं पूरी तरीके को प्रणाम कर रहा हूँ बढ़िया तरीके से, अब मेरी बात सुन, अब मेरे से दूर रहे। अरे वो बात छोड़ो, पीएसएस गेमर भाई को कोई एक्सेप्टेंस कार्ड आया? नहीं नहीं कुछ नहीं आया यार, कुछ नहीं आया। ठीक है भाई ड्राइवर भाई ने, चलो इतनी बात तो कर ली। बाकी यार ड्राइवर भाई कल की बातों से काफ़ी बुरे होंगे, बुरा मान के बैठे होंगे, लेकिन चलो छोड़ो। माइकल भाई फिर मैं जा रहा हूँ यार। फ्रैंकलिन नहीं मैं भी चल रहा हूँ यार। आ जाओ भाई आ जाओ, फिर जिसको चलना है यार मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, और पीएसएस गेमर भाई को यार सवार होकर के यार उनसे माफ़ी मांगने के लिए वापस से चलते हैं, है ना। चलो रिया, सॉरी रिया, क्यारा, क्यारा तुम भी चल रही हो क्या? हाँ फ्रैंकलिन मैं चल रही हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं नहीं आऊँगी। ठीक है रिया तुम मत आओ, बाकी और जो जो है सब आ जाओ यार, आ जाओ भाई आ जाओ। बाकी ऑडियंस आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। निकल रहे हैं पीएसएस भाई की तरफ, घर की तरफ सब लोग। हाँ फ्रैंकलिन भैया बाहर बैठ गए हम लोग। हाँ भाई हाँ भाई, फ्रैंकलिन भाई जल्दी से चलिए यार पीएसएस भैया के पास। हाँ भाई हाँ, पीएसएस भाई से हम माफ़ी मांग रहे हैं ऑडियंस, और आप लोगों से भी हम एक बार माफ़ी मांग रहे हैं कि हम लोगों से काफ़ी बड़ी गलती हो गई, तो भूल चूक माफ़ आप लोग तो मुझे कर दोगे, लेकिन यार पीएसएस भाई को माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने ना किसी का दिल दुखाया है, जो कि यार किसी का दुखाया, मैं अगर किसी अपने दोस्त का भी दुखाता ना तो मैं इतना नहीं करता, लेकिन यार पीएसएस भाई मेरे से दोस्त से बढ़कर हैं, मेरे वो भाई की तरह ही हैं जैसे माइकल भाई ड्राइवर भाई हैं। तो भाई यार इसलिए मेरे को यार उनके पास जाना, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भाई ऐसे नाराज़ हो जाओ, नाराज़ हो जाओ, और मैंने मनाने की कोशिश भी नहीं की तो भाई बहुत बड़े लानत है मेरे पे, है ना गाइस। तो चलो भाई चलते हैं। फ्रैंकलिन पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। अरे क्यारा पर तुम डराओ मत ना यार। फ्रैंकलिन तुम्हें पता ही है ना उनका गुस्सा। अरे अरे मत डराओ क्यारा प्लीज़ यार, एक तो उनके घर के तरफ का वेदर भी ऐसा होता है गाइज, आंधी तूफान बारिश सब आ रखी होती है। अरे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजर है, और सिर्फ उनके घर के पास ही पता नहीं ऐसी बिजली कड़कती है। अरे यार भाई यार तुम डराओ मत यार। अरे यार डराने की क्या बात है यार, वो आपसे तो लड़ाई कर चुके हो उनसे यार। बोल जब मैं उनसे लड़ाई करता हूँ ना तो आप तो जीत चुके थे ना। कहीं नहीं जीता था भाई, जब मेरी और पीएसएस भाई की जब लड़ाई हुई थी तो ऑडियंस आप लोग बताओ यार क्या हश्र हुआ था मेरा। अरे क्या हश्र हुआ था गाइज, मैंने ना पूरी तरीके से यार अपनी तरीके अपनी पूरी जान लगा दी थी, फिर भी भाई एंड में उन्होंने मुझे खल्लास कर ही दिया था, लेकिन वो तो उन्होंने दोस्ती की शर्म करी थी इसलिए उन्होंने मेरे को कुछ किया नहीं था। अच्छा ऐसी बात है क्या, और क्या भाई और क्या भाई, यही तो होता है, इसलिए यार मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो भाई चलो यार बाकी पहुँचते हैं, तो बाकी ऑडियंस आप लोग, और जो रिया के वो क्या बोलते हैं शिनचैन, अरे हाँ यार तेरे वो थी ना, कौन सी थी वो कैरी थी ना तेरे लाइफ में, अरे हाँ हाँ, तो शिनचैन तेरे कैरी के टाइम पे भी देखा पीएसएस भाई ने तेरे को आके बचाया था, पता याद है ना, सबको बता, रिया को भी बता। हाँ कि रिया तुम शिनचैन एक लड़की के चक्कर में फंस गया था, और उस लड़की के चक्कर में ना शिनचैन को वहाँ पे लोग मारने वाले थे, तो डगन बॉस, अरे अरे डगन बॉस द रियल गैंगस्टर, हाँ वो माफिया वो मारने वाले थे शिनचैन को, तो भाई पीएसएस गेमर भाई ने आकर के बचाया था। तुम पुराने एपिसोड चेक कर सकते हो, वो उसने कैरी ने शिनचैन के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा धोखा किया था। अरे हाँ वो लड़की और बाप बेटी मिले हुए थे। हाँ तो गाइस चलो यार जल्दी से हम पीएसएस भाई की तरफ पहुँचते, तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अरे यार ये क्या बोल रहा हूँ मैं आप लोगों से। सो गाइस यार हम लोग ना पहुंचने वाले हैं पीएस गेम्स के पास, और मैंने बोला था ना जैसे ही पीएस गेम्स के घर के करीब पहुंचोगे गाइस ये इतनी तूफानी बारिश होने लग जाती है। और नहीं तो क्या, मैंने तो पहले बताया था गाइस, अभी हम ना लॉस सेंटोस में, लॉस सेंटोस में ही हैं, और ये कुछ 100 मीटर की दूरी पे ही है, सिर्फ सिर्फ पीएस गेम्स भाई के घर की तरफ ही है जो ये बारिश होती है। अरे वो ज्यादा ही गुस्सा है इसका मतलब आपसे। यार शिनचैन दिल तो मैंने दुखाया ही है ना, मैंने उनकी वीडियो में देखा था कि वो यार कितना ज्यादा महसूस कर रहे थे कि यार पीएस गैंगस्टर ने मेरे साथ बहुत गलत किया। क्यों किया तुमने ऐसा? यार तुम लोग मेरे पे क्यों थोप रहे हो, तुम लोग भी तो थे, तुम लोगों ने क्यों नहीं बताया, तुम लोग भी तो घर के बड़े हो, तुम लोगों से नहीं बताया कि हाँ रिया क्यारा तुम में ऐसे नहीं थोप सकती फ्रैंकलिन पे, क्योंकि तुम भी तो थी ना शादी में, तो तुम नहीं बोल सकती थी फ्रैंकलिन को, तुम नहीं तो फ्रैंकलिन के दिमाग से उतर गई, हम लोग काम में थे तुम बोल देती, है ना। और क्या माइकल भाई थैंक यू फॉर माई साइड लेनिंग का, अरे अरे और नहीं तो क्या। अरे यार चलो हम लोग पहुँच गए हैं अपने पीएसएस भाई के पास। पीएसएस ब्रो मेरे को एंटर कर लो, घर में एंटर करने दो। माइकल भाई पहले मैं जाकर के बात करता हूँ, और कुछ गड़बड़ हुई तो प्लीज़ आप लोग संभाल लेना। अरे अरे आप नहीं आ सकते अंदर। अरे प्लीज आने दो यार, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अरे आप नहीं आ सकते, हमारे पीएसएस सर बहुत गुस्से में, आपके साथ लड़ाई हो जाएगी। अरे यार कोई बात नहीं, दो तीन चाटे ही तो मारेंगे और क्या है। पीएस गैंगस्टर क्यों आया है तू इधर, क्यों आया है बेइज्जत करने के बाद, क्यों आया है तू इधर मेरे पास। पीएसएस भाई आई एम रियली सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको बेइज्जत करने का, वो मेरा कोई भी नहीं, पता नहीं ऐसा क्या काला जादू हुआ, क्या हुआ कि हम सब भूल गए कि आपको बुलाना। अरे तू भूल गया, तेरी पूरी फैमिली वाले भूल गए, यहाँ से तो साफ सीधा पता रहता ना, तुम लोगों ने एक दिन पहले डिसीजन बनाया था कि पीएसएस गेमर को नहीं बुलाना।
अरे पीएसएस भाई ऐसी बात नहीं है। अच्छा छोटे बच्चों को याद नहीं रहा क्या? चलो छोटे बच्चों को याद नहीं रहा, तुझे याद नहीं रहा, तेरे घर में माइकल भाई हैं और ट्रेवर भाई हैं, किसी को याद नहीं रहा? वो क्यारा भाभी, उनको भी याद नहीं रहा क्या? अरे मैं कैसे समझाऊं तुम्हें यार पीएसएस भाई, आई एम रियली सॉरी। चले जा मेरी नजरों के सामने पीएस गैंगस्टर, तेरे से मेरा आज तक कोई भी रिश्ता नहीं। तुझे मैंने कितना माना, कितना तेरे से, मुझे पता है आपने मुझे बहुत अपने मान सम्मान किया है। हाँ तो तेरे साथ इतना मान सम्मान किया और तूने मेरे को ये सलाह दिया ना दोस्ती का, तू जा भाई पीएस गैंगस्टर, तू जा। पूरे न्यूज़पेपर में खबरें छपी हुई है कि पीएसएस गेमर और पीएस गैंगस्टर के बीच में ऐसा क्या हो गया। सब लोग सोचने लगे कि पीएसएस दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती होने के बाद भी नहीं बुलाया, तो इसका मतलब पीएसएस गेमर की बेइज्जती हुई ना ये मेरी कितनी। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है मैंने आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी है इससे। आप सब लोग क्यों आए हो यहाँ पे? पीएसएस भैया माफ कर दो। शिनचैन मेरे को तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है? अब तू मेरे से दूर रह। अरे नहीं पीएसएस भैया, तेरी तो शादी थी ना, इनविटेशन भेजने का काम तो इन लोगों का था ना, तेरी क्या गलती? अरे नहीं मैंने भी बोला था फिर, नहीं मैं भूल गया था। अरे हाँ शिनचैन खुद भूल गया था। अरे हाँ वैसे शादी जिसकी होती है ना वो भी इंसिस्ट करके बुलाता है ना, तो सामने वाला व्यक्ति आ जाता है। तुम लोगों को पता है कितनी बुरी ठेस पहुंची मेरे दिल में कि यार तुम लोगों ने एक नशेड़ी गंजेड़ी लामा तक को बुलाया और तुमने मुझे नहीं बुलाया, ठीक है? और सब लोग कहाँ थे? अरे अरे पीएसएस भाई आई एम रियली सॉरी, हम लोगों के दिमाग से पता नहीं कैसे ये सारी बातें उतर गई। और क्या, पता नहीं कैसे ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग से उतर गई। आपको बुलाना, अब बुलाने तो छोड़ो, हमने आपको बताना भी दिमाग से उतर गई। पता नहीं हमारे परिवार पे ऐसा क्या काला जादू हुआ कि हम लोग। अच्छा अच्छा ये तो तुम सब लोगों के बहाने हैं। बात अब नहीं पीएसएस भैया, ऐसी कोई भी बहाने नहीं है। बहाने नहीं है तो क्या है? जब मेरी ऑडियंस तुम लोगों को जाके गाली देने लगी, मेरी पीएसएस गेमर की ऑडियंस तुम लोगों को गाली देने लगी है, तब जाके तुम्हें पता चलाई कि आज क्या दिक्कत है, तभी तुम लोगों मेरे से आके माफी मांग रहे हो, नहीं तो तुम लोगों को क्या परवाह पड़ती है। अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं है यार, यार हमारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। गाइस पीएसएस भाई को बताओ। क्यारा भाभी आपने? अरे नहीं पीएसएस भैया ऐसी बात नहीं है, पता है बात कुछ ऐसी हुई थी कि समस्या इतनी बड़ी खड़ी हो गई थी कि मैं क्या ही बोलूं। अरे अरे क्या बोलूं क्या बोलूं, अब क्या खड़ी हुई थी एक बात बताओ। आपको आपको याद नहीं आया कि हमारे पीएसएस भाई भी है, उनको बुलाया जाए? अरे अरे मैं भूल गई, पता नहीं कैसे भूल गई, दिमाग से उतर गया। अरे हाँ पीएसएस भैया हम लोग भूल गए। अच्छा और वो रिया कहाँ पे है? रिया तो घर पे है, वो आपसे डरती है। अच्छा अच्छा ये बात है ना, अब तुम लोग सब यहाँ से जाओ, ठीक है? मेरा रिश्ता तुम लोगों के परिवार से 0% है, 0%। अरे अरे पीएसएस भाई ऐसा मत बोलो, हम लोगों को भी बहुत ज्यादा ठेस पहुँच रही है, अब मैं कैसे तुम लोगों पे विश्वास करूंगा भाई? एक गिलास, कांच का गिलास एक बार जमीन पर रख दिया जाए ना वैसे ही टूट जाता है, वैसे ही अगर फेंका जाए तो, और उसके बाद वो गिलास को जोड़ा नहीं जा सकता था, है ना? तो वैसे ही भरोसे को भी नहीं ऐसे जोड़ा जा सकता, ठीक है? समझ गए तुम लोग? लेकिन रिसाइकल करके गिलास को वापस से एक बढ़िया सा गिलास बनाया जा सकता है, प्लीज आप सब प्रॉब्लम को इरेज कर दो और नई तरीके से शुरुआत करो। देखो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट यू, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और आप ये मत सोचना कि हम लोग आपको बुलाना भूल गए और ये जब हम पे गाली पड़ने लगी तब जाके हम लोगों ने आपसे बोला। देखो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, हमारे पीएस गैंगस्टर भैया मतलब हमारे फ्रैंकली भैया सच में भूल गए थे, इवन मैं खुद भूल गया था, चौपो भाई ब्रूनो भाई सब लोग भूल गए थे। ब्रूनो ब्रूनो किधर है? पीएसएस भाई कहाँ छुप के बैठा है तू? पीएसएस भाई पता नहीं कैसे भूल गए हम लोग, हम लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। पीएस गैंगस्टर सिखा के आया है क्या? चलो ऐसा करो मैं ना क्यारा की कसम खा के बैठता हूँ, क्यारा की कसम खाता हूँ मैं, मैंने किसी को भी नहीं सिखाया इस बारे में, सही में हम लोग भूल गए थे, ठीक है? मैं क्यारा क्या, मैं माइकल भाई ट्रेवर भाई सब की कसम खाता हूँ। अच्छा हाँ हाँ पीएसएस भाई आप समझने की कोशिश करो, पता नहीं क्या हुआ था हम सब लोग भूल गए। अच्छा तो फिर तो कोई गड़बड़ है? पता नहीं ऐसे कुछ हुआ था भाई, हम लोगों का कुछ टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट, उसके बाद हमारा दिमाग सुन पड़ गया था, हम लोग जितने को बुला पाए उतने ही बुला पाए, उसके बाद हमने किसी को बुलाया ही नहीं। आप बात को समझने की कोशिश करो। अच्छा चलो अगर ऐसी बात है तुम कसम खा रहे हो तो इसका मतलब तुम झूठ नहीं बोलोगे, तो चलो फिर मैं तुम लोगों की इन्विटेशन एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तुम्हारी अपॉलॉजी भी एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तुम्हारे घर पे अच्छी तरीके से आता हूँ। थैंक यू सो मच पीएसएस भैया। और पीएस गैंगस्टर हम लोगों की कहीं फ्रेंडशिप एंड नहीं हुई, ठीक है? अरे भाई यही तो सुनने के लिए मैं तरस रहा था, मेरे कान तरस रहे थे, या नहीं तो यार मेरे को लगा कि हम लोगों की तो फ्रेंडशिप ही एंड हो गई। हाँ पीएसएस भैया आप ऐसा मत करना, कभी भी हमारी फ्रेंडशिप एंड ना हो। अरे अरे और नहीं तो क्या, और क्या ऐसी है, फ्रेंडशिप एंड हो गई तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी भाई, तो अब तो सब कुछ ठीक हो गया। चलो यार और क्या, वीडियो को लाइक करो, ऑडियंस चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो तो फिर मैं कल तुम्हारे घर पे आता हूँ, ठीक है? अरे वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
हाँ अब तुम्हारे घर पे आता हूँ, तुम्हारे नए वाले घर को भी देख लूंगा और अच्छी तरीके से रिया से भी मिल लूंगा। अरे मोस्ट वेलकम है आपका, बढ़िया सा खाना तैयार करके रखेंगे, बढ़िया बढ़िया सा। चलो अभी तो यार तुम लोग इधर आए हो तो अब इधर का खाना खा के जाओ। अरे वह मजा आ जाएगा इधर का खाना खाने को। ऑफिसर्स, अरे हम तो सोच रहे थे सर, लेकिन अब चलो। ओए ऑफिसर, तुमने भी बहुत भड़काने का काम किया। सर हमने तो सच ही बोला ना, सर हम आपको दुखी नहीं दे सकते क्योंकि आप हमारे प्यारे सर हो। हाँ बात तो सही है यार, तुम लोग दुखी नहीं देख सकते। अरे नहीं तो क्या, दुखी नहीं देख सकते तो इसका मतलब ये थोड़ी भड़का देंगे। चलो कोई बात नहीं, ये इधर तक ही रहने दो। अब अरे आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। अरे अरे ठीक है भाई, पीएसएस भाई। ओके तो गाइस इधर ही वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे हाँ यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर दे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइस। बाय, टाटा, टेक केयर।